अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डी के बलोच एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सीन्स कुछ ये हैं कि मेरा ये ब्लॉग उर्दू में बनेगा क्योंकि हम ऐसी जगह जा रहे हैं। मेरे साथ हैं कंबर अशरफ फ्रॉम ग्वादर, कैफे कलेल एंड याकूब बलोच। तो आज हम कराची से निकले हैं उरमाड़ा की तरफ। आज 27 दिसंबर 2020 को हो रहा है एक ग्रैंड इवेंट उरमाड़ा में, जो कि जहानगर ट्रिप और पाक ट्रिप एंड इवेंटिका डॉट पी के की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया है, अफ्तलार बीच रिजॉर्ट। तो अभी हम निकले हैं बस कराची से, वहाँ पहुँच के इंशाल्लाह आप लोगों को भी अपना इवेंट का सफ़र दिखा देंगे। फ़िलहाल ये है कि देखते रहिए। सीन्स कुछ ये हैं कि मकरान की तारीख में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है उरमाड़ा बीच में, अफ्तलार रिजॉर्ट। और यहाँ पे आज परफॉर्म करने आ रहे हैं कैफे कलील जो हमारे साथ है, और उरूज फातिमा जो अपना क्वेटा से है, और अपना बलोच ट्विन्स ब्रदर्स फ्रॉम लियारी, और भी बहुत सारे सिंगर्स आर्टिस्ट हैं। और रात को फुल मतलब ये है कि सीन ऑन होगा। के फाइनली मर्ची मारा ड्रोने बाल दिया कि शर्रे मौके ही मिलता है इधर मकरान कोस्टल हाईवे अस्ती के मा इधर उत्ती ड्रोन का मु टेस्ट करे कि हमारे ड्रोन जुड़ता शर ये जना कौन आ खेला मारा आ यारी। नानी मंदिर की तरफ हम जा रहे हैं, मैं खैर पहले आया हूँ, ये बाकी जो दोस्त हैं ये कभी नानी मंदिर नहीं आए। तो नहीं आया बिल्कुल। अभी हम नानी मंदिर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये जो लेविस वाला था ये बता रहा था कि वहाँ पे आज मुश्किल है कि आप लोगों को जाने दें, क्योंकि वहाँ पे आजकल बहुत हिंदू यात्रा बहुत ज़्यादा हैं। खैर हम कोशिश कर लेंगे कि हम वहाँ पर जाके थोड़ा दर्शन कर लें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है वहाँ पर। तो अभी निकल पड़े हैं नानी मंदिर की तरफ, तो देखते रहिए। सीन कुछ यूँ है कि अभी आप बिल्कुल अंगलाज माता की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे सोचा हम एक ड्रोन शॉट ले लें, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, तो अभी ड्रोन शॉट का इंतज़ार करेंगे।
सागर सी जबरदस्त यार, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूब उस्ताद। घंटी भी दबाओ, घंटी दबाओ, लाल बटन के नीचे घंटी है वो घंटी दबाओ, दबाओ दबाओ। तुम खुद सब्सक्राइब करोगे? जी हम खुद भी करेंगे। तुम्हें खुद को देखना है तो यूट्यूब पे जाओगे डीके बलोच। गुड यार, तुम तो बहुत आला हो गए। मैन ऑफ द मैच मेरा है। तो भाई सीन कुछ यूं है कि अभी हम नानी मंदिर पहुंच गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग माशाल्लाह से जमा है। अभी वीकेंड है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग कराची से आए हैं अभी एंजॉय करें। आज बहुत रश है क्योंकि वीकेंड है, तो किसी भी तरीके से हम अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पे जो भगवान है कौन सा, मतलब है आप लोगों का? काली माता का मंदिर है। काली माता का मंदिर है। अच्छा, एक अगर मैं कुछ पूछूं आप लोगों से, जैसे ये भगवान की काली माता होता है, दूसरे जो शेरा वाली माँ, इसमें क्या फ़र्क होता है? मतलब फ़र्क ये होता है जैसे कि इंसान एक होता है लेकिन उसके रुतबे बहुत होते हैं। अब जैसे कि मेरा भाई है जी, हम एक ही खून के हैं लेकिन हमारा नाम अलग है, हमारी पहचान अलग हो जाएगी। तो आप लोग मतलब यहाँ पूजा करने आए हैं? अभी यहाँ पूजा होती है। यहाँ शुरू में जब आप वहाँ से आते हैं कराची से तो लियारी आता है, वहाँ मंदिर है हमारा काली माता का बड़ा मंदिर। उसके बाद आते हैं चंद्रकोप कहते हैं हम लोग, चंद्रकोप आता है, वहाँ शिव भगवान है ना जो हमारे, उसके स्थान बना। यहाँ नानी मंदिर के अलावा और कौन से मंदिर हैं जहाँ आप लोग जाते हैं? वो तो हमारे वहाँ कराची में ही है, क्लिप्टन में। अच्छा, क्लिप्टन में स्वामीनारायण मंदिर जो इंटीरियर सिंध में भी है आप लोग? सिंध में भी। अच्छा, हैदराबाद में मंदिर है हमारे। सबसे ज्यादा जो आप लोगों को मजा कहाँ आता है? यहाँ पर नानी मंदिर में। नानी मंदिर में मतलब यहाँ पे ज्यादा आप लोगों को सुकून मिलता है? सुकून मिलता है। तो यहाँ हमारी कोई पिकनिक की जगह नहीं है, ये हमारे लिए बहुत कीमती जगह, कीमती जगह है। आप लोग पूजा करने आते हो? जी, पूजा करने आते हैं, इबादत करने इधर हम लोग आते हैं, क्योंकि हिंदू के, हिंदू मजहब के अंदर हमारे जो सबसे बड़ी इबादत है वो हमारी है नानी मंदिर। तो यहाँ आप लोगों को कुछ पता है कि ये कब तक, कब से बना है यहाँ पे, कितने साल हुए इसको? मतलब आप लोग यहाँ, यहाँ पे खुश हो के आप लोगों का यहाँ अभी तक जो मंदिर है वो आबाद है? जी, पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, देखा जाए तो किसी दौर में कुछ था ही नहीं जी। ये तो आस्ते आस्ते बना है, अभी दिनेश कुमार के नाम में यहाँ जो भी कांटेक्ट चल रहा है वो दिनेश कुमार के। तो यहाँ सिर्फ कराची से लोग आते हैं या फिर बाहर इंडिया से कभी लोग आए? मेले में इंडिया से भी यहाँ लोग आते हैं। इंडिया से आया हुआ है? हाँ, अच्छा, इंडिया से आया हुआ। बैटिंग राजा नाम है इसका। बैटिंग राजा इंडिया कहाँ से? इंडिया से नहीं आया। बता दो भाई, क्या बताओ, नाम क्या है? करण नाम है, वैसे बोलते मुझे रैम्बो। रैम्बो क्या करते, क्या हो? डायरेक्टर करते हैं बैंक में। राजा, बैटिंग राजा, आत्मिकम, रिक्शेदारा। वाह यार वाह। क्या नाम है आपका सर? जेमल नाम है। जेमल, आप कब से यहाँ पे हैं? हमें 7 साल हो गए तुरबत का। तुरबत के वहाँ प्रसाद दिखाओगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने हाथों से दे दें। जय माता जी, बड़ी मेहरबानी। पेड़े, थैंक यू, सॉरी। सही है ये, मैं अगर ये रख लूँ, सिर्फ ये ले लूँ? भले भले भले, थैंक यू सो मच। जय माता जी। 14 से 15 बंदे लेके चल रहे थे। हाँ, तो फाइनली हम यहाँ आ गए कैलाश माता नानी मंदिर। यहाँ पे कुछ हिंदू बरादरी के दोस्त मिले हैं जिन लोगों ने हमें बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे कुछ नॉलेज दिए हैं, यहाँ पे समझाया है, सिखाया है क्या होता है क्या नहीं होता है, कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना है, कहाँ पे पूजा पाठ करना है, कौन कौन से भगवान होते हैं, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। और दिल से इनकी इज़्ज़त करता हूँ, ये जो लोग हमारी इज़्ज़त कर रहे हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे मतलब, और हमारे यहाँ आने से मतलब आप लोगों को खुशी फील हुई? आपका शुक्र अदा करते हैं कि हम आप हमारी यात्रा में आए हैं, आप हमारी जगह पे आए हैं, हमें बहुत खुशी है इस बात में। बिल्कुल, हम आपको सलाम करते हैं दोनों के। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। सागर नाम है आपका? मेरा विकास नाम। विकास, सागर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आए। अभी हम निकल रहे हैं उरमाड़ा की तरफ, अभी खैर टाइम लेट हो गया। नानी मंदिर के बाद हम आए हैं कोनमल्लिर, यहाँ पे हमने करना है लंच। तो लंच का सीन कुछ यूँ है कि 20 मिनट हमने वेट करना है। तो 20 मिनट वेट करने से अच्छा है हम तब जाके अपना बीच पे कोई ड्रोन उड़ा दें। तो कोनमल्लिर बीच पे मेरा एक ख्वाब रहा है कि मैं ड्रोन उड़ा दूँ,
तो खैर देखते हैं, मेरा ड्रोन शॉट इतना अच्छा नहीं है, खैर क्यों, मैं पहली दफ़ा ड्रोन उड़ा रहा हूँ, पहली दफ़ा तो नहीं है, मैं ड्रोन का इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे ड्रोन शॉट आप लोगों को दिखाऊँ। अभी जा रहे हैं बीच पे, तो कोशिश करता हूँ अच्छे ड्रोन शॉट आप लोगों को दिखाऊँ। तो यह है कि 20 मिनट हमें दाल चावल एंड पीस सब्ज़ी वगैरह 20 मिनट का हमें टाइम दिया है, तब तक हम यहाँ पे ड्रोन उड़ाएंगे और कुछ शॉट ले लेंगे। फिलहाल ये है कि देखते रहिए।
अस्सलाम वालेकुम। तो भाई सीन्स कुछ ये हैं कि कल रात को हम 8 बजे पहुँचे उरमाडा, जो कि हम आए थे कॉन्सर्ट में। यहाँ पे रुज फातिमा और कैफी कलील और एक दो सिंगर्स ने परफॉर्म किया, बहरहाल बहुत मज़ा आया। तो 2:30 बजे तक कॉन्सर्ट ख़त्म हुआ, बॉनफायर हुआ, हमने खुद दोस्तों के साथ वहाँ बैठ के, कॉन्सर्ट से ज़्यादा तो इन्जॉयमेंट हमने खुद पर्सनली किया। बाकी ओवरऑल सही था, पहली दफ़ा कोई ऐसा बड़ा कॉन्सर्ट हुआ। बाकी रात को हम आए उरमाडा सिटी, जो कि इतना छोटा सा है। यहाँ पे हमारे स्टे हुआ, दोस्तों ने हमें इज्जत दी, खाना दे दिया, खाना वगैरह कोई देता है। बाकी ये है कैफे कलील और एक दूसरा दोस्त याकूब, उसको हमने यहीं पर छोड़ा क्योंकि तुर्बत में इनका एक और कॉन्सर्ट है। मैं और कंबर दोबारा निकल रहे हैं कराची की तरफ। कंबर, तो आपने इंजॉय किया कॉन्सर्ट को ओवरऑल? जी बहुत मज़ा आया। जी जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मज़ा आया बिल्कुल। सबसे अच्छी चीज़ ये कि हमने अपनी नींद पूरी की और अभी हम निकल पड़े हैं कराची की तरफ। इंशाल्लाह रात को 8:30 तक कराची पहुंच जाएंगे। बाकी रात को कुछ शॉट लिए थे मैंने कॉन्सर्ट का, लाइटिंग का थोड़ा इशू था। बाकी ड्रोन कैमरा भी मेरा नहीं उड़ रहा था, नो फ्लाई जोन में थे हम क्योंकि एयरपोर्ट के इर्द गिर्द है, तो यहाँ पर दरअसल ड्रोन नहीं उड़ा सका मैं, इसलिए GoPro से गुजारा कर लिया। फिलहाल ये है कि निकल पड़े हैं कराची की तरफ, दुआओं में याद रखिए।